जो तीसरा पॉइंट है मैंने आपको बताया टच में, टच में जो है ना, टच फोन को टच करने में यार, वो वाला टच नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं। आज के लिए मैं बात करेंगे प्रॉब्लम विथ इन्फिनिक्स स्मार्टफोन। इन्फिनिक्स के फ़ोन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर्सनली जो मैंने यूज़ करके इनके अंदर प्रॉब्लम्स देखी है वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। माय नेम इज़ अनिल, यू आर वॉचिंग मिस्टर धमाकेदार, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा। सब्सक्राइब करने से आपको सिर्फ मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, नथिंग मोर। सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती है इन्फिनिक्स के फ़ोन में, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग है, क्योंकि ये चीज़ है कैमरा। कैमरा पता है क्या, इनकी सेंसर में जो है ना वो डिटेल ठीक ठाक होती है, मतलब प्राइस के हिसाब से 14,000 या 18,000 या 20,000 के अराउंड अपन कोई फ़ोन देखें इन्फिनिक्स का, तो उसमें जो डिटेल्स होती है वो नॉर्मल होती है। कहने का मकसद ये कि जो कैमरा की डिटेल्स होती है वो अच्छी होती है, लेकिन कलर्स जो होते हैं ना वो भाई इतने कुछ अजीब से होते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है ना मेरे सामने खड़ा है, इतने जो है ना अजीब से कलर देखने को मिलते हैं। तो मतलब कलर्स जो है ना इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि पता ही नहीं पड़ता, पता नहीं कोई अजीब सा क्यों मोबाइल नहीं, कोई अच्छा एग्जांपल नहीं मिल रहा मुझे। तो कहने का मकसद आईफोन में जो आपको पता है आईफोन क्यों बिकता है, क्योंकि उसके अंदर कलर्स अच्छे होते हैं, डिटेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितने हम सैमसंग या बाकी फ़ोन्स में देखते हैं। तो आईफोन बिकता है बिकॉज ऑफ कलर्स। तो इसीलिए हर फ़ोन का स्पेशल पॉइंट यही होता है कि वो फोटोज़ के दौरान अच्छे अच्छे पंची बूस्टिंग कलर्स दे, जो आइज़ को अच्छा लगना चाहिए वही बेस्ट होता है इमेज, ठीक है, इंसानों के हिसाब से। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इनके जो फ़ोन होते हैं ना इन्फिनिक्स के, डिटेल अच्छी होती है, कलर्स अच्छे नहीं होते। इसके लिए आपको मैं प्रीफर करूँगा स्नैपचैट यूज़ करो, या इंस्टाग्राम यूज़ करो, या B612 यूज़ करो, या बेस्टी। ये चार जो है ना सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं, आपको अच्छे अच्छे फिल्टर्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छी कैमरा से आप इमेजेस ले पाओगे। तो भले आप इन्फिनिक्स के फ़ोन खरीदते हो तो स्नैपचैट ये सब जो है ना लाजमी फॉलो करता, अब तो स्पॉन्सर कर दो यार स्नैपचैट वालों, ज़्यादा हो गया शायद। तो जो 70% लोग होते हैं ना वो क्लिक करते हैं फ़ोन्स को नॉर्मल कैमरा से, इसीलिए उनको जो है ना क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही होती थी। जब मैं आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, तब जो मैं फ़ोन यूज़ करता था मैं भी नॉर्मल कैमरा ही खोलता था हर फ़ोन की, मुझे नहीं पता होता था B612 ये सारी चीज़ें हैं। जैसे पता चला तो मैंने जो है ना इम्प्रूव करा, एंड मैंने ये पर्सनली ट्राई करा है, स्नैपचैट यूज़ करो, इंस्टाग्राम है, बाकी ऐप यूज़ करो, तो ये जो कैमरा की प्रॉब्लम्स है ये भी अच्छे से सॉल्व हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ इन फ़ोन्स की कैमरा क्वालिटी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो जो है ना इतना अच्छा जो है ना ग्रिप नहीं हुई होती, या तो एक्सपोजर अप डाउन हो रहा होता है, या तो कलर्स बहुत ज़्यादा अजीब आते हैं, या जो कैमरा की ओवरऑल स्टेबलाइजेशन है वो भी ख़राब होती है। लेकिन मैंने जो इन्फिनिक्स का नोट 7 यूज़ करा है वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, उसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वेरी गुड इन्फिनिक्स। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर अच्छी है फ़ोन्स के अंदर, कुछ चीज़ें इस फ़ोन के अंदर बुरी है। दूसरा पॉइंट, डिस्प्ले एंड टच पैनल। पहले हम टच पैनल के बारे में बात करते हैं, तो इन्फिनिक्स जो है ना हमेशा IPS LCD स्क्रीन यूज़ करता है, 15,000 से लेके 25,000 तक आप जाओ तो। अब जो 15,000 होते हैं ना इन प्राइस में ना आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स देखने को मिल जाते हैं, वीवो के, ओप्पो के, लेकिन इन्फिनिक्स के जो फ़ोन होते हैं वो भाई इतने बड़े होते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब उनकी जो डिस्प्ले साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिनकी वजह से उनकी पिक्सल पर इंच जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है। तो इनके अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा जिसके थ्रू आप लोग समझ जाओगे सारी चीज़ें। वो छोटा सा एग्जांपल ये, अगर आप किसी बटन वाले फ़ोन में 360p पे वीडियो देखते हो, वही वीडियो अगर मैं इस फ़ोन के अंदर चलाऊँ तो आपको जो है ना पिक्सल्स उसके अंदर क्लियर देखेंगे बिकॉज ऑफ मिनिमल या छोटी जो है ना स्क्रीन साइज़ होती है। तो जैसे स्क्रीन साइज़ बढ़ेगी जो है ना रेजोल्यूशन भी फिर हाई चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो डिस्प्ले की क्वालिटी होती है ना वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है इन्फिनिक्स के फ़ोन में। अगर आप 720p में इन्फिनिक्स नोट 7 में कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ से पिक्सल्स ख़राब हो रहे हैं, फिर यहाँ से ख़राब हो रहे हैं, तो मतलब उतनी क्लियरिटी नहीं मिलती जितनी हमें बाकी फ़ोन्स में मिलती है। तो इन्फिनिक्स को मैं यही कहूँगा, फ़ोन्स बनाओ लेकिन कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाओ, लोगों के हाथ में तो फिट हो, ऐसा ना हो ऐसा लग रहा है कि हाथों में ईंटें चल रही है, फ़ोन तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा थोड़ी बहुत स्क्रीन साइज़ कम हो जाए तो अच्छा रहेगा, 6.235 इंच बस मैक्स है, 6.95 इंच कहाँ पे लेके जा रहे हो भाई, फ़ोन है हथौड़ा नहीं है, ठीक है। किसी को पसंद आती है तो उसको मैं ऑफेंड नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी पे अगर काम करा जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि 15,000 के अंदर ये 4K रिकॉर्डिंग देंगे, 4K डिस्प्ले देंगे, तो 1080p भी नहीं, चलो 720p भी ठीक है, लेकिन 6.234 ये इंचेस का डिस्प्ले होगा ना तो क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी गेमिंग के दौरान, अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो। वीवो एंड ओप्पो के फ़ोन्स के डिस्प्ले हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि उसकी जो साइज़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम जो है ना हथौड़ा पकड़ रहे हैं,
नॉर्मल कॉम्पैक्ट साइज़ में फ़ोन लगता है। मैंने वीवो Y95 यूज़ करा, वो हाथ में भाई ऐसे परफेक्ट ग्रिप में आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। और नोट 7 उठाओ तो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे हाथ में ईंट पकड़ा दी हो भाई, ज़्यादा हो गया। तो कहने का मकसद ये कि इनके अगर फ़ोन की साइज़ थोड़ी कम होगी ना तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी होगी। और जो तीसरा पॉइंट है मैंने आपको बताया, टच में जो है ना, टच फ़ोन को टच करने में, यार वो वाला टच नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, सब छोड़ो, सारी बातों को साइड पे कराओ। देखो जैसे मैं इसके अंदर कीबोर्ड टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इतना सा मतलब अंगूठे का इतना सा साइज़ भी टच करूँ ना तो यहाँ पे टच हो रहा है और कैंसिल भी हो रहा है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो मतलब जो भी सीन है ना वो मैं टच करूँ ना तो क्विकली रेस्पॉन्स आता है। अब इसके अंदर 90Hz नहीं है जो क्विकली रेस्पॉन्स आएगा। तो मतलब कहने का, अगर आप जो पुराने इन्फिनिक्स के फ़ोन है ना, आठ से डेढ़ दो साल पहले देखें, तो उनमें क्या है, पूरा आप थंब ऐसे टच करोगे ना फिर जाके काम करते हैं, जबकि सैमसंग या बाकी फ़ोन में आप ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टच करोगे वो काम करने लग जाता है। तो यही कह रहा हूँ कि पहले जो है ना इनके टच पैनल अच्छे नहीं होते थे, लेकिन जब से मैंने इन्फिनिक्स नोट 7 को यूज़ करा है तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट उन्होंने कर दी है, गुड जॉब इन्फिनिक्स। बट मैं कह रहा हूँ और भी ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स देखे हैं जो कि एक या डेढ़ साल पुराने इन्फिनिक्स के, उसके अंदर क्या है ना, कोई आप डिस्प्ले को टच करोगे तो पूरा थंब लगाना पड़ता है, जबकि दूसरे फ़ोन में उंगली सा छोटा सा पार्ट भी टच करोगे डिस्प्ले को तो वो काम करता है टच स्क्रीन। तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू वाली जो मैंने दो पॉइंट आपको बताई ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब काम की ठीक ठाक है, ठीक है। कैमरा के लिए मैंने आपको जुगाड़ बता दिया कि स्नैपचैट वगैरह यूज़ करो, टच का बहुत ज़्यादा इंप्रेशन है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से यूज़र हैं, नॉर्मल यूज़र है तो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कैमरा कैसी हो या क्या हो या कुछ भी हो, लेकिन जो गेमर्स हैं उनके लिए टच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल यूज़र है, किसी किसी को कैमरा अच्छी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, व्लॉगर है, यूट्यूबर है, कुछ भी है, तो कैमरा के लिए भी जो है ना ये चीज़ें काम की होती है, कलर्स वगैरह। तो जो तीसरी पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली मैंने जो है ना खुद नोटिस करी है, XOS जो इन्फिनिक्स का OS है ना उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा बग्स एंड ब्लॉटवेयर आपको देखने को मिलते हैं। पहली बात तो इनके अंदर एड्स मिलते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइस कम है तो एड्स भले हो जाएं, ठीक है। क्योंकि मैंने एक पोल लगाया था जिसके अंदर मैंने पूछा था क्या वो फ़ोन बाय करोगे जिसकी प्राइस कम हो और एड्स हो, फिर दूसरे पोल में मैंने बताया कि एड्स ना हो और प्राइस ज़्यादा हो, तीसरे पोल में मैंने कहा दोनों ही नहीं, मतलब तीन चार ऐसे मैंने ऑप्शन रखे थे, लेकिन जो 80% ऑडियंस है उन्होंने कहा कि हाँ हम वो फ़ोन प्रीफर करते हैं जिसकी प्राइस कम हो बट एड्स भले हो। तो अच्छी पॉइंट है, सही है, एड्स को बंदा डिसेबल भी कर सकता है, लेकिन प्राइस भी तो कम हो रही है ना, प्राइस इज़ द मेन फैक्टर ऑफ अ स्मार्टफोन, इंग्लिश नहीं आ रही मुझे। तो कहने का मकसद, तो जो तीसरी चीज़ है XOS, उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ मुझे देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक टाक बैक करके इशू था इन्फिनिक्स नोट 7 में, मैंने उस पर वीडियो बनाई, तकरीबन उस पर 1000-1100 इतने कुछ व्यूज़ थे, ठीक है। तो टाक बैक का इशू जो है ना सारे इन्फिनिक्स नोट 7 फ़ोन के अंदर था, जो कि मेरे कज़न की बेटी का एक फ़ोन था उसके अंदर टाक बैक का इशू था। तो उसमें पता है क्या है, वो कोई ना कोई बटन दबा आती थी और मेरे पास आती थी कि टाक बैक की, पता है क्या है, वो लड़की होती है, अगर आप यहाँ से टच कर रहे हो ना तो वो बोलने शुरू हो जाती है, फिर डुअल फिंगर से ऐसे करके उसको जो है ना सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटीज़ में जाके ऑफ करना पड़ता है ये सीन। XOS के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि जो है ना बिल्कुल ही यूजलेस हैं, जैसे इनके अंदर एक था कि डबल टैप वॉल्यूम बटन अप टू एक्टिवेट टाक बैक, तो मतलब जब भी वो जो लड़के थे डबल टैप करते थे ना वॉल्यूम बटन को तो टाक बैक जो है ना एक्टिवेट हो जाता, तो वो तो मैंने सेटिंग से डिसेबल कर दिया था, बाद में मुझे वो ऑप्शन मिला था। और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे देखने को मिले हैं इन्फिनिक्स के ऐसी XOS के अंदर, कभी कभी जो है ना वाईफाई ठीक ठाक नहीं चल रहा होता था वाईफाई। एक बार तो ये सीन हुआ कि मेरे पूरे घर में ना किसी के पास नहीं सबके पास वाईफाई चल रहा था, नोट 7 में जो है ना कनेक्ट हो रहा था लेकिन आगे ऑप्शन आ रहा था नो इंटरनेट, इसका मतलब कनेक्ट है लेकिन उसको जो है ना सर्वर की स्पीड नहीं मिल रही, पता नहीं क्या कोई इशू था। तो हमने क्या करा, सारे फोन्स का वाईफाई बंद करा, सिर्फ इन्फिनिक्स नोट 7 में पहले चलाया, उसमें सही चल गया, फिर हमने दोबारा सारे फोन्स में चलाया तो अब जो है ना नोट 7 में भी सही चल रहा था। तो ये जो है ना छोटे छोटे बग्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इनका सॉल्यूशन सिंपल है, 2 या 1.5 दिन के अंदर जो है ना अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करा करो, अगर रीस्टार्ट नहीं करोगे ना तो उसकी जो कैश फाइल्स होती है ना वो ऐसे ऐसे अकड़ जाती है, आपको खुद पता है, आप अगर एक बार नहीं सो तो आपकी दिमाग ख़राब, मेरा मतलब है मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, सबका दिमाग ख़राब होता है अगर वो सो के ना उठे, तो फ़ोन का भी यही फैक्टर होता है, इतना ज़्यादा सारा दिन काम करेगा, पबजी खेलेगा, यूट्यूब चलाएगा,
प्रोसेसर को भी थोड़ा बहुत इंजन को रेस चाहिए होता है, आपको पता है। तो इन नोट 7 के अंदर वाईफाई के अंदर इतना खास इशू नहीं था, मतलब मैंने नोट 7 के अंदर पबजी चला के देखी वाईफाई पे, क्लोज रेंज में, लॉन्ग रेंज पे मैं नहीं गया, क्लोज रेंज में पबजी मक्खन की तरह चल रही, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इशूज़ नहीं है। लाइट इशूज़ हैं, लेकिन जब वो लाइट मिलके एक बंदे को घेरते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक टॉकबैक का इशू आ गया, एक एड्स वाला आ गया, या तीसरा कैमरा का आ गया, तो ये तीन चार चीज़ें होती है ना, ये पूरा का पूरा इंटरफेस ख़राब कर देती है। और आईफोन में बताऊँ मैं आपको, ऑप्टिमाइजेशन किंग है। सो ये जो है ना, ये इशू सिर्फ इन्फिनिक्स के फ़ोन में नहीं है, इनके साथ शाओमी, रेडमी, पोको, इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो, ये सारे जो फ़ोन हैं ना, इनके अंदर भी आपको ये इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती है तो जो है ना, तीन चार और मसले आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में अगर मैं आपको कहूं, तो जब आप देखो ना, आपका फ़ोन बिल्कुल ही सही चल रहा है, जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, इसके अंदर जो है ना कोई इशू नहीं है, बैटरी भी सही है, कैमरा भी सही है, कोई खास इशू नहीं है, हरू भरू का बंद हो जाए या खुल रहा है ऐसा कोई इशू हो, या माइक्रोफोन काम ना कर रहा हो, या मतलब ऐसे टन्स ऑफ इशू आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए बंदा जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, जिसकी वजह से वो ऑप्शन जो है ना फिक्स हो जाए। सो यही जो सारे इशूज़ हैं ना, ये मैंने ना ओप्पो में देखे हैं कभी, ना वीवो में, ना रियलमी में, ना वन प्लस में, ना सैमसंग में, ना एप्पल में, ना हुआवे में। ये जो 7-8 जो मैंने ब्रांड के नाम रखे हैं, इन सब में मैंने कोई भी इशू नहीं देखा अभी के टाइम पे बता रहा हूँ, क्योंकि 1.5 साल पहले जाओगे तो शायद ये इशू हो, लेकिन अभी के टाइम पे इन सारे ब्रांड्स की तरफ से मैंने एक भी फ़ोन नहीं देखा जिसके अंदर ये अजीब से बग्स हों। लेकिन शाओमी, रेडमी एक ही है, पोको भी एक ही है, इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो, इनके अंदर जो है ना टन्स ऑफ बग्स होते हैं, या तो कभी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं होती, या तो कैमरा खुद बे खुद बंद हो रहा होता है, या तो वाईफाई खुद बे खुद अजीब सा चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना, अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करो। सब कुछ फ़ोन का प्रोसेसर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है ना 30,000 के अंदर ऐसा फ़ोन चाहिए जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 हो। क्या कर लोगे यार 855 का, जब कैमरा अच्छी ना हो या बैटरी जो है ना कम हो 3,000 mAh, क्या कर लोगे? शार्प खुदार 3 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सब कुछ प्रोसेसर नहीं होता, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके फ़ोन का प्रोसेसर वीक है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है ना, तो वो फ़ोन किंग है। ये जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A5, इसका ना प्रोसेसर ढंग का है, ठीक है, और बस प्रोसेसर ही ढंग का नहीं है। आप कहते हो ना प्रोसेसर मेन पार्ट है किसी फ़ोन का, तो इसके अंदर प्रोसेसर काम का नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ ना, अच्छे से यूज़ करता हूँ, अमंगस हो गई, या जो 2 GB रैम के लिए गेम्स होती है वो मैं प्ले करता हूँ, सही से चल जाती है, बैटरी बैकअप भी खास चल जाता है, तकरीबन 4 से 5 घंटे तो चल ही जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो बैटरी है वो 2300 mAh की है, लेकिन सैमसंग का जो ये वन UI है, ये काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। एंड ए सीरीज़ में आपको पता है नॉक्स की सिक्योरिटी होती है सैमसंग की, तो वो भी इस फ़ोन के अंदर है। तो मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर। शाओमी के फ़ोन ही ले लो, कुछ फ़ोन्स मैंने ऐसे देखे हैं, रेडमी 9, उसके अंदर जो प्रोसेसर है मीडियाटेक हीलियो G80 है, लेकिन वो फ़ोन इतना हैंग होता है ना, जिसकी कोई वजह ही नहीं है। अब क्यों हैंग होता है? बिकॉज ऑफ MIUI 12, इतना ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर बजट फ़ोन में उन्होंने दे दिया, तो फ़ोन जो है ना पूरा का पूरा हैंग होता है। रेडमी 9 का यूज़र कोई देख रहा है तो नीचे कमेंट में दबा दो लाइक का बटन, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। मैं कहूँगा 2021 में अगर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में कोई ब्रांड काम करे तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एंट्री होगी। सैमसंग तो काम कर रहा है अपने वन UI पे, हुआवे भी काम कर रहा है अपने EMUI पे, लेकिन जो MIUI है या आईटेल या टेक्नो या इन्फिनिक्स या ओप्पो वीवो, ये जो ब्रांड्स हैं ना, इनको भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना चाहिए अपने UI को, जैसे वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना अबाउट दिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।